हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संदीप चौधरी और हमारे टेक्नो ज्ञान मास्टर चैनल पर ऑलवेज टेक की बात की जाती है। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पे जो है कुछ नियम आ गए हैं, यानी जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं उन सब के लिए ये नियम है, ठीक है। और ये यूट्यूब वालों के लिए तो ज़्यादातर ही नियम है, ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और हम अपने सभी जानने वालों को सतर्क करें, सभी को सावधान करें, ये हमारा फर्ज है, ठीक है। तो गाइज, वो नियम क्या है, वो क्या है, वो चीज़ वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब से पैसे कमाते हैं तो गाइज आपके लिए ये सावधानी बरतना ज़रूरी है और ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले बात करूँगा, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो में कोई भी स्पॉन्सरशिप करते हैं, यानी कोई ऐप के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे ऐप से आप पैसे कमा सकते हो, या फिर कोई भी ऐप के बारे में बताते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और उस चीज़ के लिए आप पैसे लेते हैं उस कंपनी से और उसका आप रिव्यू करते हैं पैसे ले करके, तो गाइज आपको अपनी वीडियो में पेड प्रमोशन लिखना ज़रूरी है। यानी जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें लिखा आता है क्या ये वीडियो पेड प्रमोशन है, तो इंक्लूड पेड प्रमोशन का ऑप्शन आता है, उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का नियम है, आपको उस पर क्लिक करना ही करना है, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ आप नहीं करते हो, अगर आप उस पर टिक नहीं लगाते और आपकी वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं लिखाता है कि ये वीडियो पेड प्रमोशन है, और जबकि आपने पैसे लेके वो वीडियो बनाई है, आपने उसमें किसी चीज़ का प्रचार किया है, किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया है, ठीक है, अगर आप पेड प्रमोशन इंक्लूड नहीं लिखते हो तो गाइज आपको मैं बता दूँ, आपको 6 महीने से लेके 2 साल तक की तो जेल हो सकती है, 6 महीने से लेके 2 साल तक की जेल, और 5 लाख रुपये से लेके 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये गाइज ये नया नियम आ चुका है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, तो इसलिए आप जब भी वीडियो बनाएं, किसी से भी पैसे लेकर किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी ऐप के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में, तो गाइज आपको वहाँ पर पेड प्रमोशन लिखना ज़रूरी है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ अगली एक और नियम आया है, वो अगला नियम क्या है। गाइज अगर आप यूट्यूब से 5 लाख रुपये तक कमाते हैं साल का, यानी 5 लाख से कम कमाते हैं, तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 5 लाख से लेके 20 लाख रुपये तक अंडर में कमाते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, यानी एक तरह का टैक्स का जो आयकर विभाग को रिटर्न फाइल देना ज़रूरी है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है और प्लस आपके घर पे छापा भी पड़ सकता है, और अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपने टैक्स पे नहीं किया है तो गाइज आपके ऊपर भी 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दो तो ये नियम हो गए, ठीक है। तीसरा ये है, अगर आप 20 लाख रुपये से ज़्यादा यूट्यूब पर कमाते हैं तो आपको अपने लिए एक GST नंबर लेना ज़रूरी है, यानी GST नंबर लेना ज़रूरी है कि आप साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, यानी एक तरह की आपकी एक कंपनी हो गया, वो कोई एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपको सोर्स इनकम ज़्यादा देता है, तो इसलिए आपको GST नंबर लेना ज़रूरी है, और GST नंबर लेकर ही आपको रिटर्न फाइल करना है, यानी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो गाइज ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, अगर आप सभी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, अगर आप भारत सरकार की नज़र में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम भारत सरकार की नज़र में कैसे आ जाएंगे। गाइज आप ये गलती मत करना, क्योंकि जब हम अपने एडसेंस में अपना पैन कार्ड अपलोड करते हैं, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं पैन कार्ड की डिटेल वहां पर देते हैं, तो गूगल कंपनी के पास, गूगल एडसेंस कंपनी के पास पैन कार्ड की मदद से सब कुछ डाटा उनके पास रहता है, और जब भी वो किसी को पेमेंट करते हैं तो वो गवर्नमेंट को भी बताते हैं कि हमने इस यूट्यूबर को इतना पेमेंट किया है, या फिर इस अकाउंट को इतना पेमेंट किया है, ये आपके इंडिया का ही है। और जब आप उनको टैक्स नहीं देते भारत सरकार को, तो गाइज आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और तो और आपका चैनल भी डिलीट किया जा सकता है, जुर्माना के साथ आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। तो गाइज आपको पैसे कमाते हैं तो आपको भारत सरकार के नियम के द्वारा चलना है और आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो गाइज मैंने आपको कुछ सावधानियाँ बताई, आपको कुछ नियम बताए, ठीक है, बहुत ही आसान नियम है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। अगर आप 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 5 लाख रुपए भी कमाते हैं साल का, और उसके अलावा आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, चाहे आप उस वीडियो के लिए 1000 रुपये ही क्यों ना ले रहे हो आप, और आप किसी ऐप का प्रमोशन करते हैं, चाहे आप किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं,
तो गाइस आपको अपनी वीडियो में पेड इंक्लूड प्रमोशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी जब वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर आप उसे पेड इंक्लूड प्रमोशन का जो ऑप्शन आता है उसे आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये पेड प्रमोशन इंक्लूड करना जरूरी है अगर आप किसी भी अपनी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का प्रचार करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो गाइस आज मैंने आपको सभी नियम के बारे में जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लेना दोबारा से, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कोई भी YouTube से पैसे कमाए उसके साथ कोई बाद में प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशान रहे। तो गाइस आज की वीडियो को मैं बस यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।